हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 6, ट्रेन्स। ट्रेन्स की पोएम हमने आगे की वीडियो में देखी थी, यानी कि ट्रेन्स की पोएम में क्या था कि ट्रेन कहाँ कहाँ पे आती है, तो पर्वतों पे आती है, मैदानों में आती है और रिवर पर आती है। वो सब जगह पे ट्रेन्स आती है। और ट्रेन्स क्या करती है, तो ट्रेन्स है वो पैसेंजर को ले जाती है, उनके पत्रों को ले जाती है, मतलब उनके लेटर्स ले जाती है, उनके प्रीशियस सामान यानी कि उनके जो इम्पोर्टेंट सामान है वो सब ले जाती है। तो अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स, वो हमने सीखा और पढ़ा है, और अब हमें देखने हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं उनके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, वेयर डू द ट्रेन्स रन, यानी कि ट्रेन कहाँ पे भागती है। तो द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। तो ट्रेन कहाँ भागती है, माउंटेन पे, रिवर पे और प्लेन यानी कि मैदानों में भागती है। वॉट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो कौन सा, किसका इम्पोर्टेंट, यानी कि वो क्या इम्पोर्टेंट सामान ले जाती है। तो यहाँ से लिखना है, द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी आर पैसेंजर्स एंड मेल्स। वो क्या था, वो क्या ले जाती है, तो पैसेंजर को ले जाती है और उनके सामान को ले जाती है। व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कब भागती है। तो द ट्रेन्स रन थ्रू द डे एंड नाइट, वो दिन में और रात में भागती है। एंड थ्रू डस्क एंड डाउन, यानी कि वो अर्ली इवनिंग में भागती है और अर्ली मॉर्निंग में भागती है। व्हाट डू द ट्रेन्स ब्रिंग, ट्रेन क्या लाती है। तो द ट्रेन्स ब्रिंग पैसेंजर्स एंड मेल, ट्रेन्स क्या लाती है, तो पैसेंजर को लाती है और उनके सामान को, उनके पत्रों को लाती है। व्हाट इज डस्क एंड डॉन, यानी कि डस्क एंड डॉन का मतलब क्या होता है। तो डस्क इज अर्ली इवनिंग व्हेन द सन सेट्स, यानी कि अर्ली इवनिंग यानी कि शाम का टाइम, जब सन सेट यानी कि सेट मतलब जब सन नीचे आता है, मतलब वो आथमता है, गुजराती में कहिए तो सूर्यनु आथमवू। तो डस्क यानी जब सन सेट होता है और डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि व्हेन द सन राइजेस, जब अर्ली मॉर्निंग में सन आता है, उगता है, तो उसको हम डॉन बोलते हैं। अब है राइट द करेक्ट ऑप्शंस। द ट्रेन्स रन ओवर द, तो मतलब ट्रेन कहाँ कहाँ भागती है, माउंटेनेज एंड वैलीज, माउंटेन प्लेन्स एंड रिवर्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, कसीज एंड ओशंस। तो ट्रेन कहाँ पे भागती है, माउंटेन प्लेन्स एंड रिवर्स। तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। व्हाट डू द ट्रेन्स कैरी, ट्रेन क्या ले जाती है, पार्सल्स, पैसेंजर्स, पैसेंजर एंड मेल का मेल। तो वो अकेले पैसेंजर को भी नहीं ले जाती है कि अकेले मेल को भी नहीं ले जाती है, लेकिन वो दोनों यानी कि पैसेंजर एंड मेल। सो हमारा आंसर आएगा सी। व्हाट इज प्रीशियस लोड्स, मतलब प्रीशियस लोड्स क्या है, इंपोर्टेंट सामान क्या है। तो प्रीशियस स्टोन्स, मनी, इंपोर्टेंट थिंग्स कि पैसेंजर एंड मेल्स। तो यहाँ पे प्रीशियस लोड्स किसको बताया है बच्चों, पैसेंजर और मेल। फ्रीट कार्स मीन्स वेगन्स दैट कैरी गुड्स, वेगन्स दैट कैरीज पैसेंजर्स, वेगन्स दैट कैरी लेटर्स का एम्प्टी वेगन्स यानी कि भाड़े पे ले जाने वाला सामान। तो इसका मतलब क्या होता है, वेगन्स दैट कैरी गुड्स। द ट्रेन्स रन थ्रू, मतलब ट्रेन कब भागती है, तो माउंटेन्स, डे एंड नाइट, रिवर्स की प्लेन्स। तो कब भागती है, डे एंड नाइट। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, डे एंड नाइट। नेक्स्ट है डार्कनेस मीन्स,
डार्कनेस का मतलब क्या होता है? डे, नाइट, मॉर्निंग की इवनिंग। तो डार्कनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? अंधारा यानी नाइट। डॉन मीन्स, तो डे नाइट, अर्ली इवनिंग की अर्ली मॉर्निंग। तो डॉन का मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग यानी सन राइजेस। डस्क मीन्स, डस्क का मीनिंग क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, डे, अर्ली इवनिंग की नाइट। तो डस्क यानी अर्ली इवनिंग। राइमिंग वर्ड, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ प्लेन्स? तो प्लेन्स, तो ट्रेन्स, प्लेन्स जैसा दूसरा कौन सा है? ट्रेन्स। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ मेल? मेल के साथ कौन सा राइम होता है? मेल, फेल, ट्रेन, डस्क की डाउन। तो मेल तो फेल। विच वर्ड इन द पोएम्स राइम विथ ऑन? ऑन, ऑन पे, ऑन, डाउन। तो ऑप्शन बी, ऑन, डाउन। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स। हमें थ्री राइम वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे जो हमें दिखा दिए गए हैं उसमें हमें थ्री राइमिंग वर्ड लिखने हैं। मेल, तो मेल का राइमिंग क्या होगा? फेल, पेल, टेल। इसके अलावा आपको कोई और आता है तो आप लिख सकते हो। प्लेन, तो ड्रेन, रेन, ट्रेन। ड्रिंक, ओ सॉरी, ड्राइवर, तो क्लेवर, फेवर, रिवर। डार्क, बार्क, पार्क, शार्क। डार्क का मतलब क्या? डार्क का राइमिंग बार्क, पार्क, शार्क। डस्क, आस्क, मास्क, टास्क। तो इनके मैंने जो यहाँ पे लिखे है उसके अलावा आपको कोई राइम्स आते हैं तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, राइट अबाउट फाइव सेंटेंस ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन और अ जर्नी बाय बस। यहाँ पे हमें कोई एक पे जर्नी यानी कि हमने जिसमें मुसाफरी की है, बस का एक्सपीरियंस है तो बस का, ट्रेन का एक्सपीरियंस है तो ट्रेन का, तो वो यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है अ जर्नी बाय बस यानी कि बस की मुसाफरी। आई वेंट टू द बस स्टेशन विथ माई फादर। मैं मेरे पापा के साथ बस स्टेशन पर गई। देर वेर मैनी पीपल वेटिंग फॉर बसेस। वो बहुत सारे लोग थे बस स्टेशन में, बहुत सारे लोग थे जो बस का वेट कर रहे थे। दी स्टॉल्स वेर क्राउडेड यानी कि वो वहां पे बहुत ही आवाज और बहुत ही भीड़ भाड़ था। फादर बॉट टिकट्स एंड वी टूक सीट्स ऑन द बस। तो उसने मतलब कि पापा ने टिकट ली और हमने बस की जो सीट थी वहां पे हम बैठे। आई सेट नियर द विंडो, और मैं विंडो के नजदीक बैठी। आई एंजॉयड वॉचिंग ट्रीज, हिल्स एंड रिवर्स, और मुझे वहां पे मतलब रास्ते में जो आने वाले ट्री थे, रिवर थे, हिल्स थी, वो सब देखने में बहुत ही मजा आ रहा था और उसमें मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। राइट द नेम्स ऑफ व्हीकल्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे हमें व्हीकल्स के नाम दिए हैं और यहाँ पे अलग अलग कॉलम दी गई है। तो फर्स्ट कॉलम में है लैंड, लैंड यानी कि जो जमीन पर चलते हैं वो। वाटर, पानी में चलने वाले व्हीकल। और एयर यानी उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले व्हीकल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कार दिया है, तो कार कहाँ पे चलती है बच्चों? लैंड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार। हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर लैंड पे होता है, वाटर पे चलता है कि एयर में चलता है, उड़ता है। तो एरोप्लेन है, वो एयर में चलता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। एरोप्लेन एयर में चलता है मतलब उड़ता है। फिर है शिप, तो शिप होती है वो पानी में चलती है। ट्रेन,
तो लैंड पे बुलॉक कार्ट यानी बढ़त गाड़ी, तो वो भी लैंड पे आता है। फिर है बोट, तो वो पानी में चलता है। एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हमने लिखा। और ट्रक, तो ट्रक लैंड पे आता है। हेलीकॉप्टर रह गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलीकॉप्टर। तो ऐसे बच्चों आपको दूसरे कोई व्हीकल के नाम दिए गए हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो लैंड पे चलता है, वाटर पे चलता है, और जो एयर में उड़ता है। अब हमें नाम लिखने हैं लैंड फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दिए हैं उसके हमें नाम्स लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है वो माउंटेन का, यानी पर्वत का है, तो यहाँ पे हमने लिखा माउंटेन। वेलीज यानी पर्वतों के बीच में जो मतलब घास वाली जो जगह होती है वो, तो वैली। हिल, ये पिक्चर कौन सा है, हिल का है, पहाड़ों का, तो यहाँ पे हमने लिखा हिल। और ये मैदान का यानी कि सीधी जमीन का पिक्चर है, लैंड का यानी प्लेन। यहाँ पे पिक्चर दिया है आइसलैंड, आइसलैंड यानी कि पानी के बीच का जो भाग होता है वो, तो उसको हम टापू यानी आइसलैंड। और ये है डेजर्ट, रण, तो यहाँ ये डेजर्ट का पिक्चर है, तो यहाँ पे हमने लिखा डेजर्ट। बच्चों यहाँ पे हमारे ट्रेन वाली जो पोएम थी उनका क्वेश्चन आंसर्स, राइमिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, वो सब था, वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स और वो सब देखेंगे। थैंक यू।